वेरोनिका था बाल पीछे वो तो करें उसने वैसे यार। तो करण जी, आज के सीक्वेंस के बारे में देखिए, अभी फिलहाल हमारा सीक्वेंस चला हुआ है जो खुशी जेल चली जाती है उसी को हम रैप अप कर रहे हैं। और खुशी हमारी जो है वो 3-4 दिन कहीं बाहर गई हुई थी काम से, तो खुशी का जो बाकी काम बचा है वो हम खत्म कर रहे हैं। इनफैक्ट कल से हमारा एक नया सीक्वेंस शुरू होगा कि एक कैंसर पेशेंट आता है हॉस्पिटल में और फिर क्या क्या होता है, बड़ा एक्साइटिंग सीक्वेंस है, मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा। वो जैसे जैसे आएगा मैं अपनी ऑडियंस को और आपको बताऊंगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अब आपने लास्ट टाइम बोला था कि अमृता को बोला था कि एक सिस्टर दीदी की जरूरत है खुशी को, उसके बारे में क्या कहना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस था क्योंकि यूजुअली अमृता जो होती है वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। इनफैक्ट मेरी भी प्रॉब्लम उसने सॉल्व की है, लेकिन इस बार उसकी खुद की लाइफ के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। इस बार खुद की लाइफ में उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो जब ये प्रॉब्लम आई तो वो एकदम हिल गई, एकदम बिखर सी गई, यू नो, टूट गई। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो एक माँ है, वो एक माँ की तरह अप्रोच कर रही थी इस प्रॉब्लम को। लेकिन मैं उसको समझाता हूँ कि इस टाइम पे माँ की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे की तरफ इमोशनल होकर देखती है। इस टाइम पे सिस्टर दीदी की जरूरत है, जो कि एक यू नो तिगड़मी है, सोचती है, अलग अलग आइडिया लाती है, उसकी जरूरत है और वो समझती है इस बात को। लेकिन होता यह है कि हालांकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डॉक्टर करण करता है, अमृता नहीं करती है, वो आपने देखा ही होगा। हाँ। कैसे करण और अमृता की लव स्टोरी एक बड़ी अजीब मोड़ पे है, क्योंकि बहुत तेजी से चल रही थी लव स्टोरी। करण को अपनी फीलिंग्स रियलाइज हुई थी अमृता के लिए कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन वो जो हॉस्पिटल डे चल रहा था वहां पे उसको एकदम से रियलाइज हुआ कि अरे यार ये मेरे दोस्त की बीवी है। वो थोड़ा भूल सा गया था इस बात को, वो उसको एज अ पर्सन ले रहा था, एज अ पर्सन है, पर उसके दोस्त की बीवी भी है और एक बहुत उसका बेस्ट फ्रेंड था, यू नो, और एक ऑलमोस्ट लाइक एक बिट्रेयल है अगर वो अपने दोस्त की बीवी के साथ यू नो कुछ करे या उसके बारे में इस तरह सोचे, तो वो इस चीज को लेकर थोड़ा हिल सा गया। और बाकी लेकिन ऑब्वियसली वो अट्रैक्टेड है उसकी तरफ, तो वो अट्रैक्शन किसी किसी चीज में दिखता है। और मुझे लगता है रोमांस वही सबसे खूबसूरत होता है जब कोई ना कोई चीज दो लोगों को साथ आने से रोक रही हो, लेकिन दोनों का प्यार एक दूसरे की तरफ दिखता हो। अब जैसे खुशी की पूरी सीक्वेंस में मैं उसके साथ था, मैंने उसे सपोर्ट किया ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन ऑल्सो मैं डॉक्टर करण अब कॉन्शियसली थोड़ा बैक ऑफ कर रहा है, यू नो, क्योंकि वो चाहता है बैक ऑफ करना। आई डोंट नो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्यार ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई जोर चलता नहीं है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लव स्टोरी इस टाइम पे चली हुई है। और कुछ कहना चाहेंगे? और बस अपने फैन से कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू आर गिविंग अस। प्लीज हमारा शो देखते रहें, प्लीज मुझे देखते रहें और मुझे ऐसे प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। Good for you.
तुम्हें राइट में आ।